हेलो एवरीवन, आज हमारा मोदक चैलेंज का डे 8 है और आज हम फ्राइड मोदक बनाने वाले हैं। तो मेरा वो सबसे फेवरेट है, तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं कि हम किस तरह से फ्राइड मोदक बनाएंगे, वो भी महाराष्ट्रियन पारंपरिक तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्राइड मोदक बनाने के लिए हमने एक नारियल को यहाँ पे निकाल करके पतला पतला काट लिया है और इसे अब हम मिक्सी जार में बंद चालू करके पल्स मोड पे चलाएंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, वो सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और मेहनत भी लगती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेहनत भी नहीं करना है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो हमें ज़्यादा नारियल नहीं लेना है एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके हमें लेना है। तो ये जितना भी नारियल है, एक नारियल का, इसे मैं 3 भाग में पीसने वाली हूँ। तो नारियल यहाँ पे मैंने अब ये देखिए दरदरा पीस लिया है, अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया है। घी को हम हल्का ही गर्म करेंगे और फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पॉपी सीड्स डाला है खसखस, और इसे हम 1-2 सेकेंड के लिए भुनेंगे। अब हम इसमें घिसा हुआ नारियल डालेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भुनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे इसे हम बस 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया है। अब नारियल गुड़ को हम अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाला है जायफल। तो थोड़ा सा हम जायफल घिस करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो धीरे धीरे गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और नारियल में पूरा अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इस मिश्रण को हमें मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाना है ताकि ये जो गीला अभी दिख रहा है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यहाँ पे आपको 6 से 7 मिनट इसे ड्राई करने में लग जाएगा। और ये देखिए, ये पहले से ये सूख चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये जैसे ठंडा होता है थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है। तो अब हम इसे गैस के ऊपर से उतार देते हैं। जब तक मिश्रण यहाँ पे ठंडा हो रहा है, हम मोदक बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 कप मैदा। आप इसे चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, या फिर आधा गेहूं का आटा आधा मैदा मिक्स करके बना सकते हो। मैदा को हमें यहाँ पे छान करके ले लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। आप इसे बिना नमक डाले भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने फिर इसमें 1 से 2 चम्मच गरम घी करके डाला है। तो ये हमें मोइन के लिए डालना है। अब इसे 1 चम्मच से हम पहले मिक्स करेंगे। घी अभी गरम होगा तो पहले चम्मच से मिक्स कर लेना है। बहुत लोग पूजा पाठ में नमक नहीं डालते हैं, तो अगर आप भगवान को चढ़ाने के लिए बना रहे हो तो नमक मत डालना। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ना ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसे गूंथ लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसे रेस्ट हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। आप चाहो तो इसे पूरी के जैसे लोई बना करके मोदक बना सकते हो, या फिर जैसा मैं यहाँ पे बना रही हूँ आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक लोई को पहले रोटी जैसा बेल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले राउंड शेप में पूरी जैसा बना लेंगे, और फिर आपके पास अगर गोल कटर है या फिर कोई बाटी है तो उससे हम गोल शेप में काट लेंगे। इससे सारे मोदक एक समान बनेंगे। पहले हम यहाँ पे फिलिंग भर लेंगे और फिर साइड से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपके पास मोदक मोल्ड है तो आप उसमें भी ये बना सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी दूरी के गैप पे हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फिर ऐसे घुमाते हुए हमें मोदक का शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से एक और मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहले बीच में फिलिंग डालेंगे और साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फिर हमें घुमाते हुए इस तरह से मोदक का शेप देना है। तो सारे मोदक को यहाँ पे हम एक बार पहले बना लेंगे, और जैसे जैसे आप बना रहे हो तो आप एक कॉटन के कपड़े से उसे ढकते जाना
यहाँ पे ये देखिए सारा मोदक मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर गरम करना है तेल को। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें मोदक डालेंगे और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। मोदक को हमें दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है सुनहरा कलर होने तक। तो गणपति में नॉर्मली तो दो मोदक बनते ही है, फ्राइड मोदक और चावल के आटा से जो हम बनाते हैं मोदक। तो जो पारंपरिक तरीके से फ्राइड मोदक बनाया जाता है वो कच्चा नारियल और गुड़ को मिक्स करके ही बनाते हैं और उसके अंदर आपको अगर ड्राई फ्रूट डालना है तो वो आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। और मोदक को फ्राई भी हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। तो अब मोदक का कलर यहाँ पे आ गया है, फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि ये इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है तो निकालने के बाद भी थोड़ा कलर आता है ठंडा होने के बाद। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस मोदक को आप भी ट्राई कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही खास्ता बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोदक की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।